कोरबा थाना क्षेत्र अंतर्गत चटका चंद्रपुर में स्थित होटल व्यवसायी को असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। करीब दो घंटे तक चटका चंद्रपुर चौराहे पर इन आवारा तत्वों का तांडव जारी रहा, लेकिन कोई भी घायल होटल व्यवसायी शेर बहादुर सिंह चौहान एवं उनके लड़के सतीश सिंह चौहान को बचाने आगे नहीं आया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची मोरबा पुलिस ने घटना स्थल पर मिले कुछ आरोपियों को पकड़कर थाने ले जाकर उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की। इस घटना में करीब दुकान में पड़े सभी सामानों को मारपीट करने वालों ने तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया, जिससे होटल व्यवसायी का करीब 30 से 40,000 रुपए का नुकसान होने का अनुमान लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। जब इन लड़कों ने होटल संचालक एवं उसके लड़के को बुरी तरह मारपीट की तो किसी तरह दोनों पिता पुत्र ने दुकान के अंदर घुसकर शटर बंद कर दिया, नहीं तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। वहीं पीड़ित ने बताया कि आवारा लड़कों ने मेरे होटल में अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आए और जब उनको ऑमलेट बनाकर दिया गया तो पास में पड़े चौकी पर बैठकर खाने लगे, लेकिन एक लड़के ने चौकी पर अपना पैर रखकर खा रहा था। तभी संचालक ने उसको मना कर पैर को नीचे रखने की बात की, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? अतीत सिंह चौहान। क्या हुआ था अतीत, कल किस वजह से लड़ाई हुई, क्या घटना हुई थी? कल यहीं हम लोग बैठे थे तो पापा नहा के आए, बोले खाना निकालो। खाना निकाल के पापा को दिए तखत पे, एक आदमी आया ऑमलेट मांगा, तो मेरा नौकर है सुशील विश्वकर्मा, वो ऑमलेट बना के उसको दिया। तो पापा तख्ते पे खाना खा रहे थे, तख्ते पे पैर रखे वो हिलाने लगा जो ऑमलेट खाने आया था। तो पापा एक बार मना किए तो नीचे किया, जब दोबारा फिर से रख लिया कुछ देर बाद पैर, पापा मना किए तो सुनना नहीं किया। पापा पास जाके बोले तो बोलता नहीं करेंगे, कहा कर लोगे, गाली देने लगा और फिर पापा कॉलर पकड़ लिया। बस पापा एक आध दो झापड़ मारे, फिर बोला अभी आते हैं, गया तो दो तीन लोगों को लेके आया। दो तीन लोगों को बुला के लाया, समझदार थे, बैठ के बात कर रहे थे क्या मैटर है, किसकी गलती उलती है। तो तभी एक बीच में आ गया बाइक से राकेश साकेत, आते ही सीधे रॉड और लिया था, सीधे आते ही एकदम लड़ाई शुरू कर दिया। और बीच वाला भाई मेरा अंदर सो रहा था दुकान में, देखा लड़ाई हो रही है तो गया तो पापा के सामने बचाने के लिए दौड़ा। पापा के सामने गया तो एक रॉड उसको यहाँ लग गया, फिर एक मोनू बर्मन करके लड़का था रॉड मार रहा था, तो रॉड पकड़ा मेरा बीच वाला भाई और एक आध दो थापा उसको मारा और लात मार के गिरा दिया। जब बीच वाले भाई पकड़ लिए मार दिया, तभी कुछ देर बाद वो लोग एकदम पागल से हो गए, पत्थर उत्थर मार रहे थे। तभी पापा और बीच वाला भाई मेरा शटर के अंदर चले गए और शटर बंद कर लिए। इधर तभी मेरा बड़ा भाला भाई जाके घर से उसको बुला के लाए, इधर उधर आया तो इधर उधर पत्थर चला रहे थे, हम लोग उधर साइड हो गए थे, पापा लोग शटर के अंदर थे। तभी एक क्या कहते हैं राकेश साकेत का, उसके पापा आ गए, बोले सब सामान वामान तोड़ दो, कम से कम 50-60 हज़ार का सामान तोड़ दिया, गले में 15-20 हज़ार रुपये था वो लूट लिया, और एक बाइक का नंबर था MP66M8849, वो गाड़ी वाला भाग गया। और तभी कुछ देर बाद पुलिस आ गई और सबको 5 लोगों को पकड़ ली है और लोग भाग गए हैं, और फिर पापा लोग को पुलिस थाना ले जाके हॉस्पिटल गए हैं। पापा और भैया सीरियस थे इसीलिए बैठन रिफर किए हैं। जो मारपीट किए हैं किस जात के थे? सब साके चमार थे, तो चमार थे। घटना कितने बजे की है? 3:30 बजे पौने 4 बजे। ठीक सर, चंदपुर चटका में कल असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई एक होटल वाले के साथ में, क्या कुछ मामला है सारा और क्या क्या कार्रवाई हुई सर? कल करीबन 3:30 बजे चटका में एक होटल संचालक है शेर बहादुर सिंह, उसके यहाँ कुछ लोग खाना दो लोग खाना खाने आए। इसी दौरान जिस स्थान में वो खाना बांटा करता था, जहाँ खाना निकालता था, उसमें उसने पैर रख दिया। पैर रखने की बात पे दुकानदार ने मना किया, भाई इसने पैर मत रखो, ये हमारी रोजी है। इतने में गाली गलौज हुई, गाली गलौज होने के बाद जो राकेश महेश और उसके साथी हैं, ये वही लोकल के रहने वाले थे, आसपास से करीबन और 5-7 आदमियों को लेकर आए, उनके साथ गंभीर मारपीट की। इस दौरान चोटें दोनों पक्ष को आई, हमने दोनों तरफ से मुकदमा कायम किया है और दो आरोपीगण जो अस्पताल में भी इलाजरत हैं, उनके अलावा हम सबको गिरफ्तार भी कर लिया है। धाराएं क्या लगी हैं सर इनके ऊपर? 293, 506 एक तरफ से है, एक तरफ से 293, 506 साथ में 307 लगी है, चोट गंभीर है।